नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कैपेसिटर की सहायता से अपनी छोटी से छोटी और बड़ी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। हम कैपेसिटर से अपने घर की बड़ी बैटरी जो इन्वर्टर के साथ लगी होती है उसको भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है जो कि मैंने 6 एम्पेयर के डायोड्स के साथ बनाया है, क्योंकि हमारा सर्किट में भी ये दिया है कि हमें पहले एक ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी सीरीज में हम कैपेसिटर लगाएंगे तो हम डायरेक्ट 220 वोल्टेज देकर अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती और ये बहुत सस्ता भी रहता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर ही एक्सपेंसिव होता है किसी चार्जर को बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं अब आपको बता दूं कि किस बैटरी पर कितने डायोड, किस डायोड और किस कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमें मार्केट से डायोड अलग अलग एम्पेयर रेटिंग के साथ मिल जाते हैं। जो हमारी ये 150 एम्पेयर की बैटरी होती है इन्वर्टर पे लगी हुई, इस पर हम 6 एम्पेयर के डायोड से भी चार्ज कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा हीट होता है इसलिए इसे हमें इससे बड़ा ही लगाना चाहिए, या इन 2 6 एम्पेयर के डायोड को 2-2 का पेयर बना के एक ब्रिज में 8 डायोड लगा सकते हैं और उसके बाद हम इसमें कैपेसिटर का यूज़ करते हैं कि कौन सा कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे कैपेसिटर अवेलेबल हैं अलग अलग रेटिंग के हिसाब से। देखिए दोस्तों, ये 3.25 का कैपेसिटर है, ये 2.5 का है, ये 45 का है, ये 36 का है और ये 10 माइक्रोफैराड का है। तो दोस्तों, हमें अपनी बैटरी को जल्दी चार्ज करना है तो हम हमेशा बड़ा कैपेसिटर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चार्जर हम ये बना रहे हैं ये एक करंट चार्जर नहीं है, ये एक वोल्टेज चार्जर है जो 220 वोल्ट सप्लाई को बैटरी के अंदर कंज्यूम करके उसको बैटरी लेवल की ही वोल्टेज बना देगा। जैसे कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट बना देगा, 24 वोल्ट की है तो 24 वोल्ट बना देगा। कैपेसिटर चेंज करने से हमारा टाइम इसका चेंज हो जाता है कि बैटरी कितनी देर में चार्ज होनी है। मान लो हम ये 36 का कैपेसिटर लगाते हैं और बैटरी 24 घंटे में चार्ज होनी है, और उसकी जगह हम ये 45 का कैपेसिटर लगा देते हैं तो बैटरी उससे जल्दी चार्ज हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है, जैसे आपको अपने इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करना है तो उसके लिए आप ये चार्जर तो उसके साथ लगाएंगे ही, साथ में आपका इन्वर्टर भी उसके साथ ही लगा रहने दें, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है चार्जिंग का और जो आपका इन्वर्टर है वो आपको करंट चार्जिंग देता है जिससे आपकी बैटरी इंस्टेंटली चार्ज होती है। क्योंकि समर में कई बार क्या होता है कि लाइट के कट की वजह से बैटरी डाउन हो जाती है और इन्वर्टर उसको चार्ज करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगाता है, इसलिए ये चार्जर हम उस पर लगा सकते हैं। या बैटरी कई बार ज़्यादा डाउन हो जाती है और इन्वर्टर चार्जिंग नहीं दे रहा होता, क्योंकि इन्वर्टर का एक लेवल होता है सभी कंपनीज का अलग अलग है वैसे तो, लेकिन फिर भी लगभग 9 वोल्ट से नीचे अगर कोई बैटरी चली जाती है तो इन्वर्टर आपका चार्जिंग नहीं देगा, क्योंकि उसको बैक में भी वोल्टेज चाहिए तभी उसका सर्किट जो है काम करता है और वो चार्जिंग देता है। तो उसके सर्किट को वोल्टेज देने के लिए हम ये चार्जर अपना उसमें लगा सकते हैं। इसमें हम ब्रिज पे एक न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं, फेस को हम कैपेसिटर के थ्रू सीरीज बना देते हैं और ब्रिज के दूसरे सिरे पे देते हैं, और आउटपुट हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिरेस के उनसे ले लेते हैं। और दोस्तों, इसको ध्यान से हम लगाते हैं। जब भी दोस्तों हम बैटरी चार्जर ये बनाते हैं और इसको सप्लाई से जोड़ते हैं और जब इसको हम हटाते हैं तो इस कैपेसिटर को हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है,
इसकी वायर्स को शॉर्ट करके। कभी भी इसको वैसे ना रखें क्योंकि ये आपको शॉक लग सकता है फिर से। और अगर आपको ब्रिज सर्किट बनाना सीखना है तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो में ब्रिज सर्किट बनाना सिखाया था, उससे आप अपना ब्रिज सर्किट देख सकते हैं कि रेक्टिफायर कैसे बनता है और फिर आप ये चार्जर बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सर्किट भी समझ में आ गया होगा जिससे कि आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।